हमारी एक बाइंग uh, लेवल थी वो अराउंड दिस थी थर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड के आसपास और 11 बजे का हमारा एक टा, टा, टाइमिंग था 10:45 टू तो 11 के बीच में टाइमिंग था जहां से वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू तो गो अप एंड स्टे ऑन द अपर साइड फॉर द एंटायर डे बैंक निफ्टी में तो वो हुआ निफ्टी में वो नहीं हुआ बट इट वॉज नॉट नेगेटिव आर निफ्टी एग्जैक्टली क्लोज ग्यारह बजे का जो पोजीशन है वहां पे ही निफ्टी क्लोज हुआ है अगर हम निफ्टी देखेंगे निफ्टी इलेवन ओ क्लॉक एंड निफ्टी क्लोजिंग ऑल्सो हियर सो किसी ने अगर बाई चांस बाय भी किया होता होगा तो उसको जो ऑप्शन का डीके होगा उसी में जो लॉस हुआ होगा अदरवाइज आई डोंट थिंक कोई बड़ा बैंक अकाउंट से प्रॉब्लम हुआ होगा आ, किसी को दो निफ्टी वॉज ए वंडरफुल सेल मैंने आपको ये लेवल दिया था मैंने क्या बोला था नाइन फोर्टीन के आसपास एग्जैक्ट डॉट लेवल था ये इसकी हाई अगर हम देखे नाइन सिक्सटीन है 914 का हमारा लेवल था और हमने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो आपको सेल करना है राइट right? और सेल की टारगेट हमारी कहाँ थी बिल्कुल यहीं तक थी मेरे ख्याल से फिफ्टीन थाउजेंड एट फिफ्टी के आसपास थी ऑलमोस्ट राइट नाउ

115 और 120, 150 में हाई था 120 में लो था तो वहां पे हमने क्लोज किया वी कैप्चर्ड अराउंड 50 पॉइंट्स इन दिस मूव 35,500 का सी था तो हमने वो कैप्चर किया देन हमने और एक लाइव ट्रेड जो लिया आज मार्केट में दैट वाज एन इंडियन बैंक का कॉल और ये भी धुआधार परफॉर्मेंस था इसका आइडियली Uh, मैं तो जनरली स्टॉपलस लगाता नहीं हूँ पीपल नो बट मैंने लोगों को रिकमेंड किया था कि स्टॉपलस आपका 1002 में होना चाहिए यहाँ पे और टच करके गया ऊपर गया तो जिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया था उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ लास्ट ट्वेंटी मिनट्स में ही इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट टेन टू फिफ्टीन पॉइंट अप एट वन गोनी Fantastic! We didn't make like huge money because market market was uh, not giving huge moves. But what we made is we made a very good money. Come considering even just a hundred point range of bank Nifty, right? Four thirty-four to three, two hundred point ka range bank Nifty me, upper niche me we got fifty points, which is not bad. Okay, and uh, index bank of course. Anyway, so that was today's view. कल का जो व्यू है देखो हमने जो वीकली जो व्यू बनाया था कि मार्केट विल गो अप तो इसके लिए मैंने आज दो ट्रेंड लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ किए अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ये एक ट्रेंड लाइन है जो ऊपर से आ रहा है ओके इट इज कमिंग फ्रॉम टॉप एंड देन हियर इज ए ट्रेंड लाइन विच इज गोइंग अप ओके नाउ सी हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड टूमोरो मैं पहले बैंक निफ्टी से चालू करता हूँ बैंक निफ्टी में देखो ये सेल जोन कल भी वैलिड रहेगा दैट मींस मार्केट अगर ये थर्टी फाइव थाउजेंड के बीच में कभी भी पहुंच जाता है मार्केट यू कैन टेक सेल एंड एस्ट्रो की टाइमिंग ऑलरेडी मैंने आपको पहले दे दी थी आई होप कल आप लोगों ने स्क्रीन ले लिया होगा तो उसके हिसाब से कि अगर आप देखोगे तो हमारा जो व्यू है मॉर्निंग में फर्स्ट फर्स्ट फिफ्टीन टू थर्टी मिनट्स थोड़ा रेंज बाउंड दिख रहा है डाउन साइड कैपडी है बट क्या पता बड़ा कैंडल बना दे बट आफ्टर दैट मार्केट इज बुलिश एटलीस्ट टेल इलेवन थर्टी तक तो अच्छा बुलिश है इट इज ए गुड बुलिश राइट एंड देन रेंज बाउंड है टू ओ क्लॉक में एक फॉल हम ले सकते हैं सो वॉट उड बी माई व्यूज डेटा पूरा नेगेटिव दिखा है लोगों ने ऑप्शन चेन बट उसके ऊपर आई डोन्ट बिलीव राइट नाउ ग्लोबल मार्केट डाउन है ये ये देखो डाउजी फोर वन ट्वेंटी वन पे है ग्लोबल मार्केट डाउन है बगर, बट अगर आप देखो ये ग्लोबल मार्केट ने क्या किया है हमारा मार्केट का मूव को ही रिपीट किया है इफ यू लुक एट डाउज एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज द गुड थिंग इज नास्तक इज

level that i will give below which you will not uh, basically stay bullish anymore for this expiry people who are playing this expiry okay and that level is 35100 guys 35115k 35 and you trend line me here. that is the reason i have drawn this trend line Okay, the the scenarios that will happen tomorrow अगर बैंक निफ्टी देखो मॉर्निंग में गैप डाउन हो जाता है या ये जो डे का लो है उसके नीचे चला जाता है तो मार्केट विल रेंज बाउंड दिस विद इन दिस लेवल सो दैट मींस 35100 का लेवल ले लो और ये जो हमारी ये 150 का लेवल ले लो टू ज्यादा से ज्यादा 35000 सॉरी 35300 ओके okay? 150 पॉइंट्स का रेंज बाउंड मूव अगेन कैन कब ओके इन दैट केस जो लोग पोजिशनल बाय में है उनको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको फ्यूचर बाय करने के लिए बोला था ऑप्शन का रिकमेंडेशन मैंने दिया नहीं था ऑप्शन में अगर हो तो शायद आपका लॉस हो अलग बात है बट अगर आप फ्यूचर में हो तो पी आपका लॉस एनी वे हैंडल कर लेगा एंड मार्केट शुड गो अप मार्केट अगर यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाता है एंड टूवर्ड्स द डे एंड ये पॉजिटिव क्लोजिंग देता है वेडनेसडे ये हंड्रेड ऊपर ही जाएगा ओके okay? Now that is one scenario. I would personally not prefer that scenario to happen. Simple. Okay. But if this happens, get okay, 35,115. Should be your very, very, very tight stop loss. Okay. Now, if market gaps up tomorrow, gaps up means I'm not expecting like a huge uh, gap up tomorrow. Okay. If market just gaps up above this level, 35,451. That means कर से। तो ये का जो सपोर्ट जो आज लिया है ना वो कल भी लेगा और ऊपर जाएगा ट्रेन लाइन सपोर्ट थर्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी के आसपास लेवल अगर आता है मॉर्निंग में तो बाय कर लेना ठीक है क्योंकि नाइन फोर्टी फाइव के बाद हम पॉजिटिव है at least 1130 it's a bull, bull run Uske range bounded then after 2 o'clock it's a sell i would also personally not would not like to see this okay i'm giving you the scenarios okay i've already given two scenarios but i would personally would not like to see this scenario what is the scenario that i wanted to look ideally market actually opening mild gap down ओके वेरी फ्यू पीपल विल से सर आप बुलिश हो तो गैप डाउन की बात क्यों कर रहे हो बट आई वुड पर्सनली सो दिस माइट बी परफेक्ट ट्रेड फॉर यू गाइस टुमारो ओके अगर इफ दिस हैपेंस इन इंट्राडे मार्केट ओपनिंग ही 320 325 के आसपास करे ओके okay? मार्केट और फर्स्ट 10 टू 15 मिनट्स में ये कहीं पे ज्यादा मूव नहीं करे दैट मींस इसके ऊपर ही जाए ज्यादा ज्यादा 35400 के आसपास दैट मींस बैंक निफ्टी ओनली 70 80 पॉइंट्स का मूवमेंट करे उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बैंक निफ्टी बनाता है ओके लिसन टू द सिनेरियो वेरी केयरफुली फर्स्ट 15 मिनट्स ओनली 70 टू 80 पॉइंट्स मूव एंड इफ यू गेट अ ग्रीन फॉलो थ्रू कैंडल आफ्टर दैट यू वुड बी कंफर्मड कि मार्केट इज गोइंग टू गो फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स ओके

मार्केट अगर इसके ऊपर चला जाता है प्रीवियस मंथली हाई में बहुत बड़ा रेड कैंडल इस तरह की बनने की पॉसिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू टाइम सो दो बजे से पहले मार्केट को निकाल इवन आई वुकमेंड यू वन थर्टी से पहले निकाल देना वन थर्टी और ये लेवल जो पहले पहुंच जाए कंडीशन क्या है इसको क्रॉस करे that would be my personal preferable trade okay people might see such market market but my personal preference of trade would be this only and then market falls from here 35700 so minimum 250 points okay okay and then at the last after 245 market recovers closes Over previous monthly high. When, फिर हमने Wednesday को एक चीज the है. है? जो आपको भूलना नहीं है पोजिशनल जो बाय थर्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टीन का लेवल इसके नीचे के आसपास आपको बहुत कॉशियस हो जाना है क्योंकि मार्केट इसके नीचे अगर गिरेगा तो बहुत बड़ा गिरेगा ओके okay? और मार्केट अगर सीधा

क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से वो नहीं होना चाहिए ओके मार्केट ऊपर ही ओपन होना चाहिए ठीक है सो दैट वुड बी आवर पर्सनल ट्रेड यहाँ पे फ्लैट मतलब ओपन हो बेसिकली ऊपर मतलब फ्लैट ओपन हो ऊपर जाए थाउजेंड सेवन हंड्रेड के आसपास मार्केट कल जाए ठीक है दैट वुड बी बैंक निफ्टी ट्रेड निफ्टी का देखो निफ्टी का तो आज देख के सब डर गए होंगे मैंने ऑलरेडी आपको बोला था रिलायंस वनडे ऊपर नहीं जाएगा पॉसिबिलिटीज है रेंज बाउंड हो जाएगा ओके okay, मैंने ये भी बोला था कि मार्केट गिरेगा नहीं मतलब रिलायंस गिरेगा नहीं अगर आप देखोगे रिलायंस ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया आपको अगर दिख रहा होगा राइट इट्स अ डबल बॉटम इन रिलायंस तो हमने क्या बोला था ठीक है दिस इज डबल बॉटम एग्जैक्टली डबल बॉटम ओके हमने क्या बोला था ट्यूजडे को रिलायंस ऊपर जा सकता है ओके सो आउट फॉर रिलायंस फॉर टूमोरो ओके गैप डाउन नहीं होना चाहिए गैप डाउन नहीं हुआ तो रिलायंस विल गो अप शुड गो

एच डी एफ सी आई के नॉट गारंटी अगर एच डी एफ सी फिर भी गैपअप अगर होता है तो कल एच डी एफ सी को आपको सेल नहीं करना है रिलायंसिव टूम बैड लकने आपको ऑलरेडी पहले बोला था बाय डिप्स में रहना है तो ज्यादा बैंक आज गिरे नहीं है अगर आप देखोगे तो वेरी वेरी फ्यू दो पौंट, चार पॉइंट जो भी गिरे रिकवर हो गए तो पीपल हू है तो मेरा बोलने का मतलब है, who are, who are bought, okay? कल भी बाय डिप्स का सिनारियो होना चाहिए निफ्टी निफ्टी का मैं बता देता हूं। में आपको ट्रेड कैसे करना है, आपका जो है, का है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन किया देन ये कल ये डे हाई दोबारा टच करेगा फिफ्टीन थाउजेंड का लेवल जो है ये दोबारा टच करेगा ये 60 पॉइंट की बाइंग आप ले सकते हो

Okay, if you look at this high to low wala jo swing, hai, this is exactly 61% of that swing. And you will see the magic if I'll show you. Oh, okay. So one second. Now you would be very, very happy. Can you see this is? Yeah, 50% 50% Sorry, yeah 50% and 61 point is ideally here, right? So 50% is also a very good level on fib uh, for the market to retrace and whenever it retraces from a 50 it would basically go double the length. Okay. Anyway, that is on a longer term guys. But what we can say for tomorrow is 15,780 would be your hard stop loss ideally. ज्यादा से ज्यादा आप 772 ले सकते हो बिकॉज दिस प्रीवियस डेज लो सो सेवेंटी के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए कल निफ्टी क्योंकि गया तो फिर बवाल मचेगा ठीक है सो सेवन सेवनटी के नीचे नहीं जाना चाहिए यहाँ पे आप एक बाइंग कर सकते हो ऑफ कोर्स अगर मार्केट आया बट आई वुड वुसे आई वुड नॉट प्रिफर दैट काइंड ऑफ ट्रेडिंग टुमारो तो शायद पे आया तो मैं नहीं खुद नहीं करूंगा आपको अगर करना है तो कर सकते हो बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट Not to go below this, but it's a risky one. Okay. Uh, my personal trade I have already given you guys market opens flat or a little bit negative, goes up and goes up this black level 15,850 above in first 15 to 30 minutes. Okay, if it is happening, like Jesse when a bank nifty, mein bola, it bank nifty level, alag hai, but nifty me eight fifty level. nifty chala gaya,

बट एक चीज दोबारा बार-बार बोल रहा हूँ सो डोंट फॉरगेट दिस 15770 थट इन बैंक निफ्टी 35100 ये दोनों लेवल के नीचे अगर मार्केट गया तो लॉस कट कर देना ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा आपको स्पाइक देके ऊपर चला जाए ओके एंड यू विल से सर आपने बोला था हमने लॉस कट कर दिया उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया दैट माइट हैपन सो डोंट स्कोल्ड मी फॉर दैट But if it doesn't happen, then the fall is going to be very, very big, which might give you a huge loss. So it is always better to cut your losses at early. That is what I'm advising. However, pray to God that this scenario doesn't happen tomorrow. Okay. I hope this video is helpful. I have been talking very slowly and very slow speed in this video because the energy is really, really low today. Uh, because from the morning itself, we have been a lot of meeting till now and that's why the video is also delayed. But I hope the views in the video will actually uh, give you something for trading tomorrow. Thank you very much. Good night. Jai Matadi. We'll see you tomorrow.